सो दोस्तों आ चुके हम हीरो की स्टॉल के ऊपर और सबसे पहले बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हमारे सामने जो कि मैवरिक 440 अभी कंपनी ने सिर्फ लॉन्च करा है, किसी भी यूट्यूबर को बाइक चलाने को नहीं मिली है। सबसे पहले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हो, उसी के साथ में बहुत खूबसूरत LED रिफ्लेक्टर बेस और प्रोजेक्टर हेडलैम्प। कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला डिज़ाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा। उसके साथ में बहुत ही खूबसूरत यहाँ इंडिकेटर देख सकते हो जिसमें हीरो की बीचों बीच ब्रांडिंग। उसके साथ में BS6 फेज 2 OBD कंप्लाइंट, बहुत ही खूबसूरत इसमें एग्जॉस्ट। साथ के अंदर ऑयल कूल्ड पैनल जो है वो इस तरफ आप देख सकते हो। फाइबर की ब्रेकिंग, अच्छा खासा डिस्क रोटर, आई गेस 300 mm का तो ये रोटर है ही। उसके साथ में फ्रंट अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो 110/70R17 के फ्रंट के अंदर टायर है। बहुत ही क्यूट आपको यहाँ पर मडगार्ड मिलता है, जिसके साथ में 440 वाला आई गेस ये सेम इंजन है जो कि हार्ली में आपको मिल रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्यूल टैंक जिसमें मैविक 440 की ब्रांडिंग, सेंटर में भी ब्रांडिंग, अच्छा खासा बड़ा टैंक। मुझे सबसे अच्छी चीज़ बाइक में ये लगी है कि बॉडी शेल इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि गाड़ी के अंदर होने वाला बाद में नुकसान, कि गाड़ी की कहते हैं ना कि मेंटेनेंस वाले नुकसान थोड़े से कम होंगे। कंपनी की हीरो का सबसे बड़ा इंजन है जो इस बाइक में आपको मिल रहा है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको इसके अंदर ना ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिलता है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ट्यूबुलर फ्रेम पूरा का पूरा यहाँ से आपको विजिबल दिख रहा होता है, और जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे डिस्क ब्रेक। यहाँ पर जब आप देखोगे तो मडगार्ड अच्छा खासा एक्सटेंडेड है। बीचों बीच जो लाइट है वो वीडा में थोड़ी बहुत आपको महसूस हो सकती है कि वो एच वाली जो डिज़ाइन है उस तरीके से है। ऊपर की तरफ ग्रैब रेल जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेंटर में हीरो की ब्रांडिंग और उसके साथ में आपको सिंगल सीट मिल रही होती है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो हल्का सा हैंडल बार आपकी तरफ माउंटेड है, जिसके अंदर यहाँ पर अलग से क्लिपॉन्स लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट इसके अंदर मीटर है, एंड आई गेस ये मीटर आपके पर्पस को सॉल्व कर देता है। थैंक यू सो मच। और अब क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं। सो भाई लोगों, जैसे आप मीटर ऑन करते हो वैसे ही आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। और उसके साथ में एक बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पर आपके पास में USB-A मिल रही होती है। थैंक यू सो मच भैया। और कैसी ये बाइक है, कैसी चलती है, जल्दी हम इस बाइक को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे। अब ये तो रही इस बाइक की बात, आगे जाओ, आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही बहुत अमेजिंग आपको लाइनअप देखने को मिलता है जो कि है डीलक्स, सो हमारे बचपन की गाड़ी। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जूम है जो कि अच्छा खासा स्कूटर, किसी दिन हम इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। जूम के बाद में यहाँ पर वीडा आ गया, वीडा हम पहले ही बहुत चला चुके हैं। जैसे आप वीडा से आगे जाते हो वैसे ही यहाँ पर डीलक्स है, और उसके साथ में यहाँ पर है बाइक। सो अभी लेटेस्ट के अंदर जो है हीरो ने डकार एडिशन जीता है। 440cc की रैली बाइक जो है इसमें बहुत सारे आप फीचर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्रोपोइक का पीछे की तरफ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ऑफ रोड टायर्स, बहुत ही ज़्यादा हल्की बाइक। साथ के अंदर कार्बन फाइबर ड्यूअल टैंक, फ्रंट में एक टैंक है, रियर में पीछे की तरफ एक टैंक है, जिसकी वजह से आप फ्यूल जो है वो डाल सकते हो ताकि आप लंबे रास्ते पर आराम से जा पाओ। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ टावर लगा हुआ है, सो नेविगेशन टावर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हीरो की बाइक्स के बाद में। ये जो रैली टावर है ये जनता नॉर्मल बाइक्स में भी लगाने लग गई और बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक, और जिसे ध्यान रखना होता है इस पूरे रैली टावर का, क्योंकि गाइस होता क्या है, फैशन में लोग रैली टावर तो लगा लेते हैं मगर उसकी वजह से आपकी बाइक में आगे की तरफ वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी आउट हो जाए। तो अगर रैली टावर है तो प्रॉपरली इंजीनियरिंगली डिज़ाइंड होना चाहिए जिससे कि उसका पर्पस सॉल्व हो। और अभी भैया जो है ये एक बाइक दिखा रहे हैं, जिसके बाद में मैं आपको जो CS संतोष और जितने भी लेटेस्ट रेसर्स हैं वो जो बाइक को चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ और चीज़ें। फॉर एग्जांपल बीचों बीच इसमें रैली सीट लगी हुई है, उसके साथ में स्टेयरिंग डैम्पर लगा हुआ है, जिसके साथ में फ्रंट सस्पेंशन जो है उसको आप यहाँ से ट्यून कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। साथ के अंदर बहुत सारे नेविगेशन स्विचेज है, फॉर एग्जांपल लो मैप में चलाना, हाई में कौन से फ्यूल टैंक को आपको यूज़ करना है, और साथ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जो जगह है यहाँ पर फ्यूल टैंक है, बहुत ही बड़ा इसमें रेडिएटर आपको देखने को मिलता है। 450cc की ये जो बाइक है इसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अलग है। फ्रंट के अंदर इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट इसको रखा गया है, और साथ ही के अंदर इसके अंदर दो बहुत सारी खूबसूरत जो लाइट्स लगी हुई है,
सो किसी दिन रैली में इसको चलाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमसे तो वैसे भी नहीं चलेगी। 440cc की हार्ले यहाँ पर खड़ी है, किसी दिन इसका अलग से रिव्यू करेंगे। और खूबसूरत स्कूटर, सो 160cc का मोटो स्कूटर हीरो का आप देख सकते हो। आई विश जल्दी ये वाला स्कूटर इंडियन रोड्स पे आपको चलता हुआ देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत एंड स्पोर्टी बड़ी साइज का है। अब यहाँ की तो हमने बात कर ली, अब हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से भागते हुए वीडा वाले आउटलेट पर चलते हैं, मगर उससे पहले यहाँ एक बाइक खड़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वीडा वाले पे चलेंगे। तो यहाँ पर XMR वाली जो बाइक है उसका एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एडिशन मॉडल खड़ा है, मतलब प्रोटोटाइप। जब आप यहाँ देखते हो तो स्विंग आर्म से लेके सारी चीज़ें इन पे पेंट करा हुआ है, जिसके साथ में यहाँ पर आप कार्बन फाइबर का भावनाओं में बह गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर चेन कवर है, उसके साथ में ब्रास की चेन लगी हुई है, बहुत बड़ा स्प्रॉकेट,